सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ बालूशाही की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। शायद ही इतनी आसान रेसिपी आप जानते हो और इसका टेस्ट जो कमाल का बनता है मत पूछिए। मेरे घर में तो सभी इसे बहुत ही पसंद करते हैं। यदि आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है यहाँ 1 कप मैदा। मैदे को मैंने छान के लिया है और इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। और अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। नमक से इसका टेस्ट बैलेंस होता है। और अब इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ मैंने 1/4 कप घी लिया है। इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है और घी डालने के बाद इसे हम अच्छे से हाथों से मलेंगे ताकि मोयन हमारा सही हो। थोड़ा थोड़ा करके हम घी डाल देंगे और इसको अच्छे से हाथों से मलेंगे। सारा घी मैंने डाल दिया है और ये मोयन कर लिया है। तो मोयन हमारा सही है, इसका चेक हम इसको मुट्ठी बांध के करेंगे। तो इस तरीके से बांध के देखेंगे तो मैदा एकदम अच्छी तरह से बन जाएगा, इसका मतलब है मोयन सही है। और अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और हल्के हाथों से मैदे में मिक्स करेंगे। इसे हमें आटे की तरह नहीं गूंथना है, बस इसमें पानी को थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए डो तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें मैदे का डो तैयार करना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसे हमें सख्ती रखना है। तो देखिए इसी तरीके से हमें मैदा तैयार करना है। तो यहाँ मेरा मैदा बन चुका है। तो अब इसे हम ढककर रखेंगे। तो इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे ताकि मैदा हमारा सेट हो जाए और तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 पतीला लिया है और 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है। और अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। और इसको चलाते हुए इसकी चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ मेरी चीनी में उबाल आने लगा है तो इसमें मैं 3 से 4 कुटी हुई इलायची डाल दे रही हूँ और 1 चुटकी फूड कलर डाल रही हूँ। इससे हमारी बालूशाही में अच्छा सा कलर आएगा। तो ये चाशनी लगभग हमारी तैयार हो चुकी है, इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे हमें एक तार नहीं करना है, बस 1/2 तार बने उतना ही रखना है। तो अब इसे में हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे जिससे इसमें चीनी के क्रिस्टल न जमे। अब इंडक्शन बंद कर देंगे। चाशनी तैयार हो चुकी है। तो अब अपने आटे की तरफ चलते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसे बालूशाही बनाएंगे। तो इस तरीके से इसे बांध के और हाथों पे गोल गोल घुमाते हुए बालूशाही तैयार करेंगे। इस तरीके से बालूशाही बनाने में कोई भी झंझट नहीं है और ये काफी क्रिस्पी बनती है। इसी तरीके से हम अपनी सारी बालूशाही तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी तैयार कर ली है, अब इसे हम तल लेते हैं। तो तेल को हम बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे और आंच को मीडियम रखेंगे ताकि बालूशाही अंदर तक अच्छे से
पक जाए। इस तरीके से बारी बारी से सारी बालूशाही हम डाल देंगे। जितना पैन में सेट हो सके, और अब इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। आंच हमें मीडियम टू लो रखना है। ये देखिए, ये फूलने भी लगी है और इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ मेरी बालूशाही में अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे डायरेक्ट चाशनी में डालते जाएंगे। चाशनी में इसे 3 से 4 या 5 मिनट तक ही रखेंगे। उसके बाद इसे हम चाशनी से निकाल लेंगे। ये मेरी दिवाली स्पेशल बालूशाही पनकट तैयार हो चुकी है। इसे बहुत ही आसानी से हम घर में बनाकर और अपने मेहमानों को और घर वालों को खिला सकते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।